देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है। खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। ये सनू जी, बात करेंगे सोयाबीन की। तो सोयाबीन में हमने कल के मुकाबले देख रहे हैं, आज और अच्छे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। कल को हमने सोयाबीन को 6300 पर ट्रेड होते देखा, आज देख रहे हैं 6450 तक का ही लगा चुकी है। आपको क्या लग रहा है, सोयाबीन में आगे एक रेंज देखने को मिलेगी या फिर यहाँ से सोयाबीन और तेजी की ओर जाएगी? देखिए, सोयाबीन की अगर बात करें तो हालांकि फ्यूचर्स मार्केट में डीलिस्ट हुआ है, फ्रेश पोजीशन नहीं है, बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो सोयाबीन के प्राइसेस में हम आगे थोड़ी सी तेजी आते हुए देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में भाव बढ़े हैं उससे काफी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मगर एक चीज और है कि आगे जो सरसों है उसकी अराइवल स्टार्ट होगी, तो उसकी वजह से हम एक प्रेशर भी आते हुए देखेंगे। तो ज्यादा तेजी नहीं, 200-300 रुपए की तेजी यहाँ पर आ सकती है, फिर उसके बाद बिकवाली का ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें लगता है खुदारी का ट्रेड रख सकते हैं, मगर लंबी अवधि में वहाँ बिकवाली का ट्रेड बना के चला जा सकता है। मगर फिलहाल अभी करंट सिचुएशन से हमें लगता है कि भावों में 200-300 रुपए की तेजी देखी जा सकती है। जी, तो यानी कि छोटी अवधि में तो सोयाबीन की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है, 200 से 300 रुपए की तेजी अनुज गुप्ता जी के मुताबिक सोयाबीन की कीमतों में यहां से अभी करंट सिचुएशन से बनती नजर आ सकती है। लेकिन आगे जाके ये भी होगा कि सरसों की नई आवक की मंडियों में आ जाएंगी, जिसकी वजह से बंपर आवकें देखने को मिलेंगी जो खाद्य तेल को सपोर्ट देती नजर आएंगी। सप्लाई अच्छी रहेगी, डिमांड भी ठीक ठाक रहेगी, सप्लाई भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आगे जाके लंबी अवधि में सोयाबीन में कुछ हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन छोटी अवधि में खरीदारी में अनुज गुप्ता जी के मुताबिक सोयाबीन में रहा जा सकता है। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।